क्वेश्चन नंबर 14, परेश की रोकड़ बही तारीख 31/3/2015 के रोज 10,000 के बैंक शेष दर्शाती है। यह शेष पासबुक के साथ मिलान करने पर मिलती नहीं है। निम्नलिखित माहिती पर से मार्च 2015 का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। बराबर, तो बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या दिया है, बैंक से दर्शाती है रोकड़ बही के अनुसार, तो 10,000 बताती है, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष मतलब उधार, बाकी हम लोग उधार लिखते हैं। बराबर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष शेष मतलब उधार बाकी। ओके, कितना दिया है, 10,000 दिया है, तो 10,000 लिख देते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी है अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखते हैं 30,000 के चेक मार्च मास के दौरान बैंक में भरे, जिनमें से 16,000 के चेक 31 मार्च तक बैंक में जमा हुए। 31 मार्च में क्या हुए हैं, जमा हुए, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है 31 मार्च नहीं छपा है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2 अप्रैल होगा। बरोबर, 2 अप्रैल को होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यानी कि ये 2 अप्रैल में जमा हुए हैं, तो यानी कि मार्च महीने में जमा नहीं हुए हैं, तो हम लोग लिखेंगे बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16,000 के चेक 31 मार्च को नहीं भरे हैं। बरूबा, यहाँ गलत लिखा है, 2 अप्रैल लिखा है, मतलब मार्च में ये 16,000 जमा नहीं हुए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। जमा नहीं हुए मतलब जमा करना है, ध्यान से समझना है इसको। तो यहाँ लिखते हैं पहली एंट्री, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, कितना है, तो ये है 16,000, 16,000 लिख देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा लिखा है 16,000 के चेक मार्च मास में लिखे, जिनमें से 6,000 के चेक 31 मार्च तक बैंक में प्रस्तुत हुए, मतलब 10,000 के चेक, क्या बोला, 16,000 भरे थे लिखे थे, लेकिन क्या हुआ है 10,000 31 मार्च तक प्रस्तुत नहीं हुए। प्रस्तुत नहीं हुए, कितने चेक नहीं प्रस्तुत हुए थे, 16,000 में से 10,000 घटाते तो 6,000 बचता है। प्रस्तुत नहीं हुए मतलब क्या नहीं हुए हैं, उधार नहीं हुए हैं, 6,000 उधार नहीं हुए, तो हम लोग उसको उधार कर देते हैं। बरोबर, तो यहाँ पर लिखते हैं लिखे परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए चेक, मतलब उधार नहीं हुए, कितने नहीं उधार हुए, तो 6,000। ओके, आगे देखते हैं, देखते हैं तीसरा, मार्च मास के दौरान निजी आयकर के 5,000 धंधा के बैंक खाते में से चुकाए, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया है, मतलब ये क्या है, 5,000 रुपये हमने चुका दिए, तो हमारा ये खर्चा है, तो कहाँ रोकड़ बही में कहाँ लिखना था, व्यय साइड, व्यय कहाँ लिखा जाता है, तो जमा साइड, तो जमा हमने किए नहीं है, रोकड़ बही में जमा नहीं किया, तो हम लोग जमा कर देते हैं 5,000 को। तो तीसरा करते हैं, तीसरा क्या है, चुकाया आयकर का लेखा रोकड़ बही में करना रह गया, तो हम लोग इसको कर देते हैं जमा साइड में। ओके, अगला देखते हैं, चौथा है, 31 मार्च के रोज बैंक ने पासबुक में ब्याज के 120 रुपये जमा किए और बैंक खर्च के 50 रुपये उधार किए, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं करना है। आप इसको दो तरह से समझ सकते हो,
यानी कि बैंक से हमको ब्याज मिला। ब्याज मिला तो हम लोग रोकड़ बीमे कहाँ लिखते हैं, आय साइड। आय साइड कहाँ लिखा जाता है, उधार साइड, यानी उधार नहीं किया है, बरोबर। तो उधार करना रह गया है तो इसको उधार में लिखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, बैंक खर्च कहाँ जाता है कि व्यय में, व्यय कहाँ लिखते हैं रोकड़ बीमे, तो वो लिखते हैं जमा साइड। तो ये जमा नहीं किया है तो इसको हम जमा कर देंगे। अगर आपको इससे ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ में कि पासबुक में ब्याज जमा किया है बरोबर, तो इसकी एंट्री रोकड़ में उल्टा होता है, तो ये उधार साइड में आ जाएगा। ये उधार किया है तो ये जमा साइड में आ जाएगा। दोनों तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं चौथा, आप राउंड ना लगाएं तो सही है, मैंने लगा दिया है भूल से। बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही बही में करना शेष रह गया, तो 120 रुपये उधार साइड में। ये भी चौथी नंबर की है। तो बैंक चार्जिस का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया, तो कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में 50 रुपये। पांचवा देखते हैं, तो पांचवा है 30 मार्च के रोज 1650 का चेक प्राप्त हुआ जो बैंक में नहीं भरा। क्या हुआ है, 1650 का चेक प्राप्त हुआ है जो बैंक में भरा नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्राप्त परंतु नहीं भरे गए चेक। तो उधार साइड में लिखेंगे कितने का है, 680 रुपये का है, सॉरी 1650 रुपये का है। तो 1650 रुपये लिखते हैं जमा साइड में, गलत एंट्री हो गई है। छठा देखते हैं, एक देनदार ने सीधे बैंक में 680 रुपये जमा किए जो रोकड़ बही में नहीं लिखे। अब यहाँ पर हमें देनदार है बराबर, तो इसने हमको 680 रुपये का पर बैंक में भर दिया है। बैंक में भर दिया तो ये हमारी क्या हुई, आय हुई। आय हुई तो हम लोग आय कहाँ लिखते हैं, उधार साइड में। मतलब रोकड़ बही में कहाँ लिखना था, उधार में, लेकिन उधार में लिखा नहीं तो इसलिए इसको उधार लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर छट्टा क्या लिखेंगे, बारो बार भरी बारो बार भरी राशि राशि का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया, तो उधार करना रह गया तो उधार कर देते हैं बरोबर। हम आगे सातवीं देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ विक्रय, 2000 का लेखा रोकड़ बही में बैंक खाने में लिखा है। तो विक्रय का कहाँ लिखा जाता है, उधार साइड में, क्योंकि ये हमारी आय है। आय है लेकिन रोकड़ के खाने में लिखना था। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग खानों वाली रोकड़ बही में, तो एक रोकड़ और बैंक खाने वाली बही थी जिसमें हमने क्या कर दिया, रोकड़ खाने में लिखना था उधार, लेकिन उधार कहाँ कर दिया है, बैंक खाने में कर दिया है। तो हम लोग इसको जमा कर देंगे तो अपने आप सही एंट्री हो जाती है। तो यहाँ लिखते हैं सातवां, रोकड़ विक्रय का लेखा रोकड़ बिक्री का लेखा रोकड़ बही के बैंक खाने में लिखा। ओके, ये बैंक खाने में लिखा या किया, तो क्या करना है, जमा साइड में करना है। 2000 कर दिया है, अब हम आगे देखते हैं। तो सातवां देखते हैं, आठवां देखते हैं, फरवरी 2015 के दौरान 3600 की बनवाई हुंडी मास
दौरान पकने की तारीख को अस्वीकार होने से बैंक प्रमाणन खर्च 100 रुपये सहित पासबुक में लिखे हैं, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। तो यह अस्वीकृत हुई, तो हमारा ये क्या तरह एक तरह का क्या हुआ है, खर्चा समझने का है। कहाँ लिखा जाता है इन दोनों को, तो जमा साइड में लिखा जाता है। तो हमने जमा नहीं किया है, तो हम लोग जमा कर देते हैं। तो लिखते हैं आठवां, अस्वीकृत हुंडी। अस्वीकृत हुंडी का लेखा लेखा रोकड़ बही में खर्च सहित लेखा रोकड़ बही में खर्च सहित लिखना रह गया। कितना है? तो 3600 और 100 कितना हो जाता है? 3700 हो जाता है। नौवां है, 3600 के अंशों पर प्राप्त डिविडेंड पासबुक में लिखा है, रोकड़ बही में नहीं लिखा है। तो रोकड़ बही में नहीं लिखा, तो रोकड़ बही में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने का है, डिविडेंड होता क्या है? तो शेयर पर जो ब्याज मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं, बरोबर। डिवेंचर पर नहीं, प्रेफरेंस शेयर पर जो ब्याज मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये हमारी एक तरह की आवक है। तो आवक कहाँ लिखी जाती है? आय साइड में। आय रोकड़ बही की आय कहाँ लिखी जाती है? उधार साइड में, बरोबर। तो उधार नहीं किया है, तो हम लोग इसको उधार कर देते हैं। तो नौवां है, प्राप्त डिविडेंड का लेखा प्राप्त डिविडेंड का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया, बराबर। कितना है? 600 रुपये। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं दसवां, बैंक ने परेश की सूचना अनुसार बीमा प्रीमियम के 4500 चुका, जो रोकड़ बही में लिखने बाकी हैं। तो यहाँ पर देखो, चुकाया है, चुकाया तो यानी खर्च है। खर्च कहाँ लिखा जाता है रोकड़ बही में? जमा साइड में, व्यय साइड में, या व्यय यानी कि जमा साइड में लिखा जाता है। तो रोकड़ बही में जमा किया नहीं है, तो हम लोग जमा कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दसवां, क्या लिखते हैं? बीमा प्रीमियम का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। कितना है? 4500 है, बरोबर। अब हम लोग यहाँ पर टोटल मार देते हैं। तो यहाँ टोटल कितना है, किधर साइड का ज़्यादा है, तो मैंने टोटल करके रखा हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं, तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा है। कितना है? 32900 है। यहाँ पर 32900 है, इन 32900 में ये सब घटा देते हैं तो कितना आता है? 15500 आता है। तो यहाँ लिखते हैं पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर। क्या है ये? मालूम नहीं पड़े तो उधार बाकी। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।